भारी बारिश ने एक बार फिर मुंबई के लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। मुंबई समेत पूरे कोंकण क्षेत्र में शुक्रवार देर रात से लगातार भारी बारिश हो रही है। इससे महानगर में सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है। भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 2 छात्राओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 छात्राएं अब भी लापता हैं। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई में सोमवार सुबह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश से हाहाकार है, तो लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन बेहाल है। फिलहाल मुंबई वासियों को बारिश से राहत मिलने के आसार बिल्कुल नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए जरूरी कामों के बिना घर से ना निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने की वजह से 6 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, तो कई ट्रेनों के रूटों में बदलाव किया गया है। मौसम विभाग की ओर से शनिवार रात से ही भारी बारिश के संकेत दिए गए थे। रविवार तड़के से लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूब गए, तो वहीं सांता क्रूज और नागपाड़ा में जलजमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग इलाकों में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके अलावा तेज हवाएं भी लोगों के लिए इस वक्त मुसीबत से कम नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए।